হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনাদের সবাইকে জানাই দুর্গাপুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আর সবকো মেরি তরফ সে হ্যাপি নবরাত্রি। আর আমি দুর্গাপূজা চল রা হ্যাঁ, দুর্গাপূজা কা মতলব হ্যাঁ বহুত সারে এনজয়মেন্ট, মতলব খানা পিনা, সাজনা, ঘুমনা, ফিরনা, বহুত সারে চিজ করনা, মতলব বহুত এনজয় করনা। जैसे कलकत्ता में हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सारे पंडाल होता है, वो सब पंडाल में जाके हम लोग भगवान जी का दर्शन करते हैं, सारे रिलेटिव वगैरह आ जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मतलब बहुत ही इंजॉय होता है वहाँ पे। उत्सव तो इतना होता नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैं यूके में हूँ, फिर भी यहाँ पे कम्युनिटी वगैरह है तो उस कम्युनिटी में दुर्गा पूजा होते हैं। हम लोग वहाँ पे निकल रहे हैं तो उसके लिए मैं साड़ी वाड़ी पहन रखी हूँ और मैंने फेस का जो है वो मेकअप मैंने किया नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने मैं मेकअप करूं, मैं कैसे दुर्गा पूजा में तैयार होती हूं। चलिए फटाफट से मैं मेकअप कर लेती हूं। मैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले प्राइमर लगा लेती हूं, तो ये बेनिफिट का प्राइमर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे थोड़ा सा प्राइमर ऐसे ले लेती हूँ। कितना लगाती हूँ कि ख़त्म ही हो गया है। एक मिनट में मिरर ले लेती हूँ, कैमरा में देख के करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्राइमर हमेशा लगा लेना चाहिए क्योंकि मैंने एक्चुअली प्राइमर लगाने से पहले मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया था, क्योंकि प्राइमर लगा लेने से और मॉइस्चराइज़र लगा के प्राइमर लगाने से मेकअप बहुत अच्छे से बैठता है, क्योंकि प्राइमर जो है ना आपकी स्किन को एकदम स्मूथ कर देता है। कितना भी क्लीन स्किन ना हो, मेरा स्किन बहुत क्लीन है, जैसे थोड़ा बहुत रेडनेस है वो छोड़ के मेरा स्किन बहुत ऐसे तो अच्छा है, सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा स्किन है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत स्किन है, कुछ तो होता ही होगा ना। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी और फाउंडेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, मेरी जो स्किन टोन है उसकी मैचिंग की मुझे यहाँ पे मिलता नहीं है मतलब फाउंडेशन, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ दोनों फाउंडेशन को मिलाती हूँ। एक है रिमिल की फाउंडेशन, इसका नंबर है 402 ब्रॉन्ज, और दूसरा भी है, ये भी मेबलिन की है, इसका नंबर है 30 सैंड। इन दोनों को एक साथ मिला लेती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर, इसको मैं वाटर में डीप कर लेती हूँ क्योंकि तब जाके आपकी जो मेकअप है अच्छे से ब्लेंड होगा। दोनों फाउंडेशन को अच्छे से एक साथ मिला लेना है। और गले में भी लगा लेना है क्योंकि नहीं तो गला दूसरे कलर में और आपका चेहरा दूसरे कलर में दिखेगा। अब मैं लगाऊंगी कंसीलर, और मैं मेबलिन की कंसीलर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट कंसीलर है और ये है न्यूड। कंसीलर को मैं हमेशा मेरी आंखों के नीचे लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा डार्क सर्कल होता है हमेशा आंखों के नीचे, और जिस जगह पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन है तो उस जगह पे लगा लेती हूँ। वैसे तो मेरे आंखों के नीचे इतना ज़्यादा डार्क सर्कल है नहीं और पिगमेंटेशन भी इतना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा एक कवरेज के लिए लगाती हूँ, और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से, मगर इस बार मैंने इस तरफ का यूज़ करूँगी क्योंकि आँखों के कॉर्नर में यूज़ करना है, तो इसलिए डैम ब्यूटी ब्लेंडर के यूज़ से क्या होता है ना बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, नहीं तो अगर ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे ना इतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। अब मैं लूज पाउडर लगा के मेरी सारे मेकअप को थोड़ा सा सेट कर लूंगी। बेस तो मैंने कर लिया है,
अभी मुझे कॉन्टूर करना है क्योंकि मेरा जो चेहरा है बहुत बड़ा है और उसमें थोड़ा सा शेप और लाना है मुझे, मतलब शार्प दिखने के लिए मैं कॉन्टूर करती हूँ। तो मेरा को लगता है सबसे बेस्ट कॉन्टूर पाउडर है बेनिफिट का हुला पाउडर। तो मैं अभी मेरे चेहरे को थोड़ा सा शार्प लुक दूंगी। और आप लोगों को कौन सा कॉन्टूर पाउडर अच्छा लगता है वो भी मुझे ज़रूर बताना, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। एक्चुअली मैं दूसरा और एक कॉन्टूर पाउडर भी यूज़ करती हूँ मगर वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब क्या बोलो वो बहुत देर तक रहता नहीं है। और बेनिफिट का जो हुला पाउडर है बहुत देर तक रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसका ब्रश भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुरंत दिख रहा है ना आप लोगों को, एकदम शार्प लग रहा है ना चेहरा। अभी ब्लेंड भी करना है अच्छे से। उसके बाद क्या है ना, इस तरफ भी ये जगह को छोड़ना है। उसके बाद ये जो नीचे के पोर्शन है वो मेरा थोड़ा हेवी है जॉ लाइन, तो उसको भी मैं कॉन्टूर करके शार्प करूंगी। और ये जो चिन है ना उसके नीचे भी थोड़ा सा कॉन्टर करना है मगर गले में नहीं करना है, चिन में थोड़ा सा करना है। तो ये डबल चिन होता है ना वो ढक जाता है। अब मैं क्या करूँगी, हाथ में ऐसे कॉन्टर पाउडर को लेके मेरे नोज़ की दोनों साइड पे ऐसे। ये चीज़ आप ब्रश से भी कर सकते हो मगर मैं कंफर्टेबल हूँ मेरे हाथ से करने में, तो मैं कंफर्टेबल के हिसाब से हाथ से ही कर लेती हूँ, मतलब तो उंगली से। इतना शार्प दिख रहा है ना अभी मेरा चेहरा, पहले जैसे एकदम गोल गाल दिख रहा था उससे बहुत शार्प दिखने लगा है। फेस्टिवल है, थोड़ा सा ब्लश लगाने से थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं ब्लश लगाना ऐसे भी बहुत पसंद करती हूँ फेस्टिवल में तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश लिया है, मैं जो है ये वाला कलर और ये जो कलर है दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी। और ब्लश जब लगाएंगे ना तो कॉन्टर के ऊपर लगाना नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे तो ऐसे खींचते हुए लगाएंगे तो कॉन्टर के साथ वो ब्लेंड हो जाएगा। पहले दोनों साइड में लगा लेना चाहिए, उसके बाद ऐसे खींचते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और थोड़ा सा कॉन्टूर पाउडर लेके जो आपकी फोरहेड है उसकी भी साइड में ऐसे लगा लेना है, तो चेहरा और भी शार्प और अच्छे दिखेंगे। मेरे चीक को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी, तो मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर लिया है। ये 3-in-1 पैलेट है, इसमें कॉन्टोर, ब्रॉन्जर और हाइलाइटर तीनों चीज़ें होता है। मैं कॉन्टोर तो मैंने हुला का यूज़ किया, इसका मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है मगर इसका जो ब्रॉन्जर है और हाइलाइटर है बहुत अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर और थोड़ा सा हाइलाइटर दोनों को एक साथ मिक्स करके चीक बोन के इस जगह पर धीरे से लगाऊंगी। देखिए कितना ग्लो कर रहा है, एकदम नेचुरल सा। दोनों चीज़ को क्यों मिला के लगाया, सिर्फ अब हाइलाइटर लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा दिखता है, अगर ब्रॉन्जर के साथ मिला के लगाएंगे तो थोड़ा मतलब हाईलाइट भी करेगा और नेचुरल भी दिखेगा, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ को मिला के लगाया है। अब मैं एक काम करूँगी, सारे जो मेकअप मैंने किया है उसको अच्छे से फिक्स कर लूँगी रेवोल्यूशन की मेकअप फिक्सिंग स्प्रे से, अपने चेहरे को मतलब स्प्रे करके मेकअप को फिक्स कर लूँगी। चेहरे को भी फिक्स करने जा रही हूँ, चेहरा तो फिक्स ही है। इसको लगाने के टाइम ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर बहुत सामने से लगा लेंगे ना तो आपके चेहरे से पूरा टपकने लगेगा, मगर आप इसको ऐसे शेक करके धीरे से दूर से सूखने देना है। सूखने के चक्कर में आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको सुखाने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे आपका चेहरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा, तो आपको चेहरे में ही सूखने देना है। ये टिप्स आप लोगों को याद रहेगा ना। आई मेकअप करने के लिए भी मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट यूज कर रही हूँ। मैं ये पिंक कलर ले रही हूँ क्योंकि मैंने पिंक साड़ी पहना है तो पिंक कलर ही अच्छा लगेगा मेरे आँखों के ऊपर। और मैं उंगली से लगाऊंगी क्योंकि मेकअप रेवोल्यूशन का जो पैलेट है ना वो उसमें क्या होता है हाथ से ज़्यादा बढ़िया लगता है, ब्रश से इतना ज़्यादा बढ़िया लगता नहीं है, तो मैं हाथ से ही लगाऊंगी मतलब उंगली से। इसे डैबिंग मोशन में लगाना है, मुझे ये शैम्पेन कलर जैसा दिख रहा है, शैम्पेन कलर ही मैं ऐसे बोलूँगी। इसको भी ऐसे उंगली से लेके आंखों के जो मिडिल है ना वो जो मिडिल यहाँ पे इस जगह पे
सेम वही शैम्पेन कलर को लेके आंखों की इनर कॉर्नर में भी थोड़ा सा लगा लेना है। अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी। आईलाइनर मैंने लिया है रिमिल की, क्योंकि फेस्टिवल है इसलिए एक थोड़ा सा आंखें बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, तो मैं एक छोटा सा विंग बनाऊंगी। मेरा फेवरेट मस्कारा लगाऊंगी, बेनिफिट की मस्कारा। ऐसे तो बहुत सारे मस्कारा है मुझे अच्छा लगता है, जैसे एस्टी लॉडर का मस्कारा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर बेनिफिट उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। आई मेकअप तो हो गया है, मगर एक चीज मिसिंग है, आईब्रोस। आईब्रोस जब तक ना करो आपकी जो चेहरे का मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता है। आईब्रोस के लिए मैंने कलेक्शन के आईब्रो पैलेट लिया है। आईब्रोस तो बन गया है, अब मैं सेम मेकअप रेवोल्यूशन के हाइलाइटर पैलेट से थोड़ा सा हाइलाइटर लेके ये जो ब्रो बोन है उसके ऊपर लगाऊंगी। ऐसा वाला पिंक कलर में मेरे पास लिपस्टिक है नहीं, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये कलर लेके आ पाऊँ। मुझे लगता नहीं है कि पूरा एकदम सेम टू सेम लेके आ पाऊंगी, मगर उसके लिए मैं तीन कलर को मिक्स करूंगी मैंने सोचा है। देखती हूँ क्या होता है, उससे कलर ठीक ठाक आएगा या पूरा खराब हो जाएगा। फर्स्ट कलर जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो है मैक की मेहर। दूसरा कलर जो मैं यूज करूंगी वो है रूबी हू, ये मैक की मिनी रूबी हू। थर्ड कलर जो मैं यूज करूंगी वो भी मैक की है, मगर इसका नाम है डेडी डेंजर। नाम से ही डर लगता है। फिर से मैं मेहर लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेकअप रेवोल्यूशन की आई पैलेट है उससे ये जो पिंक कलर है उसको थोड़ा सा ऐसे लूंगी, अपने होठों पे ऐसे लगाऊंगी। ऑलमोस्ट मेरी साड़ी की कलर में लिपस्टिक आ गया है। मेरे पास सेम कलर नहीं था, मैंने ऐसे ही तीन चीजों को मिक्स किया और आई पैलेट की कलर से एकदम ऑलमोस्ट सेम कलर को लेके आ गई। अच्छा है ना, पूरा मैच हो गया ना, गुड जॉब किया है संगमित्रा ने। अब मैं एक चीज लगाऊंगी, और चाहे तो मैं नहीं भी लगा सकती हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं लगाऊंगी, तो आईलैश, फॉल्स आईलैश लगाऊंगी। आईलैश की जो ग्लू है व्हाइट सा वो थोड़ी देर दिखेगा, कोई बात नहीं है, कुछ देर के बाद वो अपने आप ही ऑब्जर्व हो जाएगा, एकदम भी दिखेगा नहीं। देखिए अभी से ही दिखना बंद हो गया, ये जो थोड़ा सा है वो भी दिखेगा नहीं, कुछ देर में ही चला जाएगा, गायब हो जाएगा। मेरा मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया, फिर भी लग रहा है ना कुछ तो कमी है, वो है बिंदी। बिंदी के बिना तो फेस्टिवल का लुक ही नहीं आता है। मैंने रेड कलर का बिंदी लगाया क्योंकि दुर्गा पूजा है और बंगाली लोगों का पहचान ही होती है रेड बिंदी से। अब जाके मेरा जो लुक है वो कंप्लीट हुआ है। तो गाइस मेरा जो दुर्गा पूजा का मेकअप लुक है आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है ना, और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेके आने वाली हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि मुझे जाना है दुर्गा पूजा देखने के लिए। बाय बाय गाइस, मैं फिर से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।